हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मैं पुष्पा आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्लूमिंग विद पुष्पा में। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ गीता उपदेश से। समय मनुष्य के बनाए हुए रास्तों पर कभी भी नहीं चलता है, मनुष्य को समय के बनाए हुए रास्तों पर चलना पड़ता है। जो इस बात को समझ लेता है वो सुख दुख और आशा निराशा से में विचलित या घबराता नहीं है। तो इस गीता उपदेश के साथ मैं आज का अपना ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ। नवरात्रि का शुरुआत हो चुका है, ये दूसरे दिन का था। पहले दिन का शूटिंग मैंने नहीं किया था, तो मैं शिमला मिर्च काट रही थी, पनीर की सब्जी बनाने जा रही थी, पनीर चिल्ली। तो शिमला मिर्च मैंने एक शिमला मिर्च लिया था और दो तीन कलियाँ ली थी, ये कुछ कलियाँ ली थी मिर्ची की, जो कि मैं तिरछी तिरछी काट रही हूँ इस तरीके से। तो ये चिल्ली में इसी तरीके से जाती है, तो मैं इसी तरीके से काट रही थी इन मिर्चों को। और मैंने इन सारे मिर्चों को काट लिया था, सबको काटने के बाद मैंने पनीर को काटा शेप में, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। पनीर मैं मिठाई की दुकान से लाई थी और मैं जहाँ से लेके आई थी वो हमेशा ताज़े ताज़े मिठाई बनाते हैं और उनके पनीर भी बिल्कुल ताज़े थे, एकदम ही सॉफ्ट और नरम थे। पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था यहाँ पे। उसके बाद मैंने ये पनीर बहुत ही नरम थे, देखिए मैं दिखा रही थी कि कितने नरम है पनीर, और इनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था। छोटे छोटे क्यूब्स में काटने के बाद मैंने दोनों चीज़ों को काट लिया था, ये शिमला मिर्च और पनीर और मिर्चा ये काट लिया था। उसके बाद मैंने पैसे उठाए और मैं बाहर दरवाजे के बाहर ही मुझे दुकान है तो वहाँ से मैंने कॉर्नफ्लावर ख़रीदा, और टमाटर नहीं था तो वहीं पे टमाटर वाला जा रहा था तो वहाँ से टमाटर भी मुझे मिल गया। तो बिना टमाटर के बनाने वाली थी पर टमाटर मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ। और यहाँ पर मैंने 2-3 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दिया है एक बर्तन में, तो ये कॉर्नफ्लावर डाल दिया और इसमें मैं पानी डाल के इसको घोल लूँगी, थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो थोड़े के जगह मेरे से थोड़ा ज़्यादा डल गया था, थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बनाने से ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मुझसे ये थोड़ा सा पतला बन गया था, ये थोड़ा ज़्यादा पतला। इसमें और 1-2 चम्मच मुझे डाल देना चाहिए था पर मैंने नहीं डाला और ये पतला हो गया था। और इसी में मैंने थोड़े से नमक डाले, अभी प्याज लहसुन हम बिल्कुल भी नहीं खा रहे थे इसलिए मुझे अलग अलग से पैकेट रखे हुए हैं, डब्बे से मैं नहीं डाल रही हूँ, जिससे मैं प्याज लहसुन खाते वक्त डालती थी तो वो डब्बे उन डब्बों से मैं नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ कॉर्नफ्लावर घुला हुआ था उसमें मैंने शिमला मिर्च डाल दिया है, आधा शिमला मिर्च डाल दिया है और आधा टमाटर डाल दिया है इसमें, और इसको थोड़ा मिला लूँगी इसी में और इसको मुझे फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है, गैस पे चढ़ा लिया है कढ़ाई, और उसमें मैंने शिमला मिर्च और टमाटर को फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया, हल्का सा ही सौते किया था, थोड़ा सा ही फ्राई किया था मैंने, और इसको फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। फिर जो कॉर्नफ्लावर है उसी पानी में मैंने इस पनीर को भी डाल के फ्राई कर लिया था, लेकिन मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, उस वक्त मेरा वीडियो ऑफ हो गया था। उसके बाद मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा मिर्ची डाली थी, तो मिर्ची काटी हुई थी वही मिर्ची उस तेल में डाल दिया, और शिमला मिर्च और टमाटर जो बचा हुआ था आधे रखे हुए थे वो भी इसी में मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का सा नमक डाला है, ये अपना टेस्ट के अनुसार है कि आप अभी अगर डालना चाहते हो थोड़ा डालने से उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं नमक डालती हूँ, मैं एक बार में कभी भी नमक नहीं डालती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको चला लिया है, इसको हल्का हल्का करके फ्राई कर लेंगे इसको थोड़ा सा, थोड़ा फ्राई करने के बाद इसको चलाते रहेंगे। और सिम आँच पे ही मैं करती हूँ क्योंकि तेज़ पे जलने लगे थे तो थोड़ा सिम कर लिया था मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ चलाते हुए उसके बाद जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा था और शिमला मिर्च और टमाटर उन सभी को मैंने
इस कढ़ाई में डाल दिया। अरे माँ तो पूछो, कढ़ाई में डालने के बाद मैंने इसको चला लिया है, बाकी सब कुछ मिला के और चला लिया है। इन सभी को मिला लेंगे हम एक साथ। अरे नहीं, पूजा रूम ये वाला तो ना रहा, थोड़ा सा और नमक हम डालेंगे, पूरा पश्चिम तबा रखा, थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाल सकते हैं, थोड़ा हम मैं यहाँ पे लाल मिर्ची डालती हूँ। हाँ। मुझे जैसे कि अभी सोया सॉस वगैरह नहीं डालना था, टोमेटो केचप नहीं डालना था, तो मुझे लगा कि थोड़ा लाल मिर्ची ऊपर से डालने से इसका कलर थोड़ा अच्छा आएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर डाला है यहाँ पे। हाँ, तो वही हाँ, मैं डब्बे से निकाल रही हूँ यहाँ पे। और पता नहीं एगो स्थिर ना रह रहा नो कोनो चीज तब होते थे वो खिला बार बार हटावा है ने होने कर माई के हम बोलबो कहीं कि बार बार ये उन्हें काहे कर करे। यहाँ पे मैं मिर्ची हाँ, थोड़ा सा डाल देती हूँ, एक बार सोच के बना ले कि जहाँ तो मिर्ची डाल के अपने स्वाद के अनुसार मिर्ची डाल दे, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने डाली थी तो वो कितनी तीखी है उस पर ये करता है कि हम कितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी सी ही डाली थी क्योंकि मेरी मिर्ची बहुत तीखी थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है इसमें, थोड़ा सा नमक डालने से उसके बाद मिलाएंगे हम। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालती हूँ, मैंने पहले ही बताया है कि मैं एक बार में नमक नहीं डालती हूँ, क्योंकि उस तरीके से या तो मतलब उसमें एक टेस्चर नहीं आता है, जो थोड़ा थोड़ा डालते हैं तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो इसमें डालने के बाद मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी भी डाल दिया है, और कॉर्नफ्लोर का जो बचा हुआ पानी था हमने फ्राई वगैरह किया था, उसके बाद जो बच जाता है उसी में थोड़ा सा और अगर कम रहे तो उसमें कॉर्नफ्लोर और डाल सकते हैं हम, और घोल सकते हैं, और या तो अगर वो पूरा है तो उतना ही डाल लें, जितना आपको ठीक चाहिए उस हिसाब से आप डाल दीजिए इसमें। तो मैंने इसमें उसी हिसाब से इसमें डाला हुआ है कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पे मेरी दीदी का कॉल आ गया था, तो जिसकी वजह से मैं उनसे बात करते करते बना रही थी, तो उनसे मैं कॉल पे बात भी कर रही थी और एक हाथ से ये सब बना भी रही थी। ये सब करते करते बनाते बनाते मैंने चावल भी धो लिए थे, चावल मुझे बनाना था इसके साथ, तो मैं पनीर का कोई सब्जी बनाते बनाते चावल भी मैंने उधर धो के रख लिया था, और ये हमारा हो ही गया है, इसमें ज़्यादा समय लगता नहीं है पनीर की चिल्ली बनाने में, कभी भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, सारे तैयारी हुआ रहे तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, उतना टाइम लगता नहीं, और इसमें तैयारी भी कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, बस सारे चीज़ें बड़े बड़े क्यूब्स में ही काटने होते हैं, कोई सब्जी को बहुत महीन ये छोटा छोटा नहीं काटना होता, तो टाइम नहीं लगता है इसमें, और ये बहुत शॉर्टकट रेसिपी है। तो इसमें मैंने सब कुछ डालने के बाद थोड़ा बहुत चलाया, और उधर बात भी कर रही थी, चावल भी धो रही थी, चावल के लिए पानी भी सॉसपैन में मैं डाल रही थी, और इधर एक हाथ से फोन पकड़ा हुआ था, इसलिए मेरी कढ़ाई हिल रही थी इतना, पीछे चक्को चली जाती, क्योंकि एक हाथ से मैं चलाए जा रही थी सब्जी को, तो एक हाथ से और बात करना भी ये होता है कि और हमेशा तो फ़ोन पे बात हो नहीं पाती है, कभी कभी फ़ोन आता है तो, और कभी कभी ऐसा अर्जेंट बात भी होता है कि बात करना ज़रूरी भी हो जाता है, तो वो बात हम लोग बात कर रहे थे, और बात करते करते मैं बना भी रही थी, क्योंकि मेरे बेटे के आने का टाइम भी हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी बना भी लेती हूँ, तो ये हो ही चुका था मेरा। उसके बाद मैंने यहाँ ढका और फिर निकाल के फिर थोड़ा सा नमक डाला है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैं नमक डालना भूल गई थी लास्ट में, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, डाउट लग रहा था कि थोड़ा नमक कम हो सकता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट में भी नमक डाला है, तो इसको चला के मैंने फिर ढक दिया है यहाँ पे। और बहुत दिनों के बाद मैं चैनल पे आई हूँ, बहुत दिनों के बाद मैं बैठे बैठे सिर्फ सोचती रहती हूँ कि चैनल पे आऊँगी चैनल पे आऊँगी, और मैं बैठे रह जाती हूँ, खाली सोचती रह जाती हूँ, कभी भी करती नहीं हूँ, लेकिन आज सोचा कि नहीं आज से शुरुआत करूँगी। तो ये चावल और सब्जी मैंने बना के रेडी किया है, मेरा बेटा आया, हम दोनों साथ में बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। और आप सभी को अगर मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें, और लाइक शेयर तो ज़रूर करें, कमेंट भी करें प्लीज़, आप लोग कमेंट करें तो मुझे समझ आ गया, थैंक यू।